अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्किल्स हब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके अलावा वेक्टर ग्राफिक्स के लिए कौन से फॉर्मेट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या है। वेक्टर ग्राफिक्स जो है बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स की एक फॉर्म है जिसमें हम लाइन, शेप, फ्री हैंड ड्राइंग और इलस्ट्रेशंस की मदद से जो है हम कोई इमेज जो है वो क्रिएट करते हैं। और इमेज हम कैसे क्रिएट करते हैं, वो इमेज जो है हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो वेक्टर्स के लिए बने उनके थ्रू जो है हम इमेज क्रिएट करते हैं। अब इसकी हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे नंबर वन पे आता है कि वेक्टर में पिक्सल्स तो मौजूद होते हैं लेकिन पिक्सल्स जो हैं वो अपने कलर की लोकेशन को चेंज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप वेक्टर को स्केल इन या स्केल आउट करते हैं तो उसके जो पिक्सल्स के कलर होते हैं ना वो कलर मिक्स होते हैं ना वो कलर जो है अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं। इसलिए जो है वेक्टर में हाई क्वालिटी कॉन्टेंट जो है वो क्रिएट होता है। इसके अलावा रास्टर और वेक्टर पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, इनमें क्या डिफरेंस है, तो वो वीडियो जो है आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी लाजमी वॉच कीजिएगा। इसके अलावा इसकी जो दूसरी करेक्टरिस्टिक है वो है कि स्केलेबल, यानी कि वेक्टर जो है स्केलेबल है। मैं जूम की बात नहीं कर रहा, स्केलेबल यानी कि आप उसे रीसाइज करें, स्केल इन करें या स्केल आउट करें, इसकी क्वालिटी जो है कभी भी खराब नहीं होती। इसलिए वेक्टर जो है ये बेस्ट है कंटेंट क्रिएशन के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है कि इसकी क्वालिटी जो है वो लूज नहीं होती। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, बेशक आप इसे स्केल इन करें, स्केल आउट करें, इसकी क्वालिटी जो है वो कभी भी खराब नहीं होगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये डिजाइन कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है, इनके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि Adobe Illustrator हो गया है, इसके अलावा Corel Draw हो गया है, इसके अलावा जो है Affinity Designer, इस तरह के और बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से जो है आप वेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा वेक्टर्स के कौन से पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं, सबसे पहले .ai, .eps, .svg और .pdf। इसके अलावा और बहुत से वेक्टर के फॉर्मेट हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एडिटोरियल और कमर्शियल कॉन्टेंट में क्या डिफरेंस है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।